हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 20 मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल सकता है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन था, संतोष झा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस थे उज्बेकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, उज्बेकिस्तान। संतोष झा को उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा आई हेल्प पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, असम। राज्य सरकार द्वारा आई हेल्प पहल शुरू की गई है। असम में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल शुरू की गई है। यह असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO और कॉमन सर्विस सेंटर के कार्यालय की एक संयुक्त पहल है। CEO यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर मुकेश चंद्र साहू ने आई हेल्प पहल की शुरुआत की है। अब ये पहल असम में हो रही है, तो हम सबसे पहले इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप और इसमें असम, ये है असम। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल। असम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 72.19%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.85% और महिला साक्षरता दर है 66.27%। ये असम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? ऑप्शंस हैं प्रमोद सावंत, अश्विनी कुमार, आलोक कामत, अजीत सरकार। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रमोद कामत। प्रमोद कामत को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी गोवा के सांगखेलिम से विधायक प्रमोद सावंत ने गोवा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मनोहर पारिकर का स्थान लिया है जिनकी मृत्यु हाल ही में कैंसर के कारण हो गई थी। उन्हें गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, साथ ही मनोहर पारिकर के पूरे मंत्रिमंडल को बरकरार रखा गया है, यानी कि मंत्रिमंडल में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। अब ये गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप और इसमें गोवा, यहाँ पर है गोवा। गोवा की जो सीमा है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री अब हो गए हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा। जनसंख्या की दृष्टि से गोवा भारत का 26वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 30वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 968 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 88.70%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 92.65% और महिला साक्षरता दर है 84.66%। ये गोवा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं
HDFC बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने बंधन बैंक में 14.96% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन ये सिर्फ RBI ने इसे 9.9% ही अनुमति दी है। HDFC की इकाई गृह फाइनेंस यानी कि होम फाइनेंस का बंधन बैंक में विलय हो रहा है। अब यहाँ पर दो बैंकों की बात है, एक बंधन बैंक और RBI बैंक। सबसे पहले बंधन बैंक के बारे में जानते हैं। बंधन बैंक का हेड क्वार्टर है कोलकाता में, इसके CEO हैं चंद्रशेखर घोष। अब RBI के बारे में जान लीजिए। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1939 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1945 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, पहले हैं M.K. जैन, दूसरे B.P. कानूनगो, तीसरे विरल आचार्य और चौथे N.S. विश्वनाथन। ये RBI के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका ने द्विपक्षीय असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं 7, 8, 10, 6। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 6। अमेरिका ने 6 परमाणु संयंत्र बनाने की सहमति भारत में व्यक्त की है। भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के नवें दौर के पूरा होने के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा है कि हम द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये समझौता अमेरिका से हुआ है भारत का, तो हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप, और इसमें अमेरिका, ये है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है यहाँ की डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं जापान, रूस, अमेरिका, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 का आयोजन किया गया है। अभ्यास मित्र शक्ति प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त अभ्यास श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है। भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की 1ली बटालियन के सैनिक और श्रीलंकाई सेना की गेमनू वाच बटालियन संयुक्त रूप से अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। अब ये अभ्यास श्रीलंका के साथ हो रहा है, तो हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप, और इसमें श्रीलंका, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाल सिरिसेना। यहाँ की करेंसी है रुपी, श्रीलंकाई रुपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं PC घोष, मुकुल रोहतगी, सुमित्रा महाजन, YV रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, PC घोष। देखिए यही है PC घोष जिन्हें भारत के पहले लोकपाल के रूप में नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकायुक्त, सॉरी लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है। 67 वर्षीय जस्टिस घोष जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति द्वारा उनके नाम को अंतिम रूप दिया गया है और इनके नाम की भी सिफारिश की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेरिल डिमोंटे का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार, समाजसेवी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता
डैरिल डिमोंटे का 74 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। कई दशक के कैरियर में उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई संस्करणों के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने फोरम ऑफ इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया यानी कि FEJI के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना ने कितने अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं 17, 10, 12, 15। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 17। भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। भारत और अफ्रीकी देश के बीच अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 का उद्घाटन किया गया है, जिसे एफिंडेक्स 2019 कहा जाता है। इसकी शुरुआत पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन के एक में किया गया और इसके उद्घाटन समारोह में 17 अफ्रीकी देशों के साथ साथ भारत के प्रतिनिधित्व वाले मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक टुकड़ी भी शामिल हुई। अभ्यास का उद्देश्य भागीदार देशों के लिए मानवतावादी सहायता और शांति संचालन कार्यों की योजना बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस प्रदूषण के समाधान हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ध्वनि प्रदूषण के समाधान हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। अब ये निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा की गई थी। इसके चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली। ये आज के यानी कि 20 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल सकता है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।